नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको रेलवे PTO के माध्यम से टिकट बुक करना बताऊंगा। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पहले HRMS के माध्यम से किस प्रकार से PTO जनरेट करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे, और फिर हम उसी PTO की मदद से किस प्रकार से टिकट बनाएंगे IRCTC ऐप के माध्यम से, सारी प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आपको इसके लिए सबसे पहले HRMS पे आना है। मैं आपको रिकमेंडेशन करूंगा कि आप जो है वेब ब्राउजर ही काम में लें, आपका HRMS ऐप काम में नहीं लें, क्योंकि वहां पर जो है लिमिटेड चीजें आती हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपके सामने जो है गूगल क्रोम पर आ गया हूँ, और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ HRMS। तो HRMS आप सर्च करेंगे तो इंडियन रेलवे की HRMS जो सिस्टम है आपके सामने खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो है आपका यूजर आईडी और पासवर्ड, यूजर आईडी में आपका HRMS होता है और पासवर्ड जो है आपने सेट किया होगा वो है, एक कैप्चा कोड डालना है, फिर आपका एक OTP आएगा और फिर लॉगिन हो जाएगा। तो चलिए मैं यह सारी प्रोसेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने HRMS जो है उसको लॉगिन कर लिया है। अब देखिए, आपको जो है इधर आना रहेगा और यहाँ पर पास वाला एक सेक्शन आपको मिलेगा, तो इस पास वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप पास के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा अप्लाई फॉर ePass and PTO, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। देखिए, अगर आप पहली बार HRMS के माध्यम से पास PTO बना रहे होंगे तो आपको फैमिली डिक्लेरेशन देने की जरूरत है। तो अगर आप पहली बार पास यहाँ पर बनवा रहे हो तो आप पहले ही फैमिली डिक्लेरेशन यहाँ पर क्लियर करवा सकते हैं। हमने इसके ऊपर पहले ही आपको बता दिया गया है कि किस प्रकार से आप फैमिली डिक्लेरेशन बनवा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको आना है नीचे की ओर, और यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है सेलेक्ट टाइप ऑफ पास, यानी कि आपको आपका किस प्रकार का पास चाहिए वो सेलेक्ट करना है, या तो पास या फिर PTO। तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है, एक प्रिविलेज पास है, एक प्रिविलेज टिकट ऑर्डर है। जो PTO होता है, PTO की फुल फॉर्म प्रिविलेज टिकट ऑर्डर होती है। तो आज की इस वीडियो में हम PTO के माध्यम से टिकट करने वाले हैं, तो उसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बता रहा है कि आपके पास 2023 के 3 PTO अभी बाकी हैं, ठीक है। 8 टोटल PTO यहाँ पर मिलते हैं, 2023 के हमने 5 उपयोग में ले चुके हैं या जनरेट कर चुके हैं, 3 अभी तक बाकी हैं। तो हम यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे अप्लाई और व्यू के ऊपर। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी कुछ बेसिक डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। आपका HRMS ID, कुछ एम्प्लॉय डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर देखिए आपके सामने ऑप्शन आएगा फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन, यानी कि आपको कहाँ से लेकर कहाँ तक का PTO आपको जनरेट करना है। तो देखिए, जैसे मैं अभी प्लान कर रहा हूँ आगरा जाने का, तो मेरे को यहाँ पर फ्रॉम स्टेशन पे क्लिक करना है। बताऊँ, ये आबू रोड मैंने डाला और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ आगरा कैंट। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया AGC, ये हो गया, ओके। अब मैं आता हूँ नीचे, तो रूट स्टेशन मेरे को डालना नहीं है, आप डालना चाहे तो एक डाल सकते हैं। फैमिली में किस किस का बनवाना है वो आप देख लीजिएगा, फिलहाल मैं खुद का ही बनवा रहा हूँ, ठीक है, आगरा जाने का। तो ये मैंने क्लिक कर दिया है, और यहाँ पर देखिए प्रीव्यू एंड जनरेट पास, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आप जो पास बनवा रहे हैं वो कुछ इस प्रकार का होगा। यहाँ पर आपको देखिए पास बना रहे हैं उसकी तारीख शो होगी, कहाँ से कहाँ बनवा रहे हैं, तो आबू रोड से लेकर आगरा कैंट के बीच। यहाँ पर देखिए आपकी डिटेल यहाँ पर शो रही है, नाम, एज वगैरह, या आपका डेजिग्नेशन और यूनिट, ठीक है। आप नीचे आएंगे तो टोटल दिखा रहा है कि 783 किलोमीटर की जर्नी रहेगी, और इससे आप 23/5/2023 तक टिकट बुक कर सकते हो। यहाँ पर देखिए ये दिखा रहा है, ओके। अब यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर देखिए ये आपका दिखा रहा है कहाँ कहाँ आप सीट बुक कर सकते हो। तो आपको नीचे आना है, इस चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और जनरेट पास के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं इस जनरेट पास के ऊपर क्लिक करता हूँ, वापस आपको एक बार दिखाई देगा कि आप है आगरा कैंट, वो आबू रोड से लेकर आगरा कैंट के लिए टिकट बुक कर रहे हो, और इसकी वैधता 23/5/2024 है, बिल्कुल सही है। तो हम यस के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए यस हो गया है, ठीक है, ये हमारा UPI नंबर जनरेट हो चुका है। अब मेरे को SMS प्राप्त हो जाएगा, देखिए आ चुका है SMS। अब यहाँ पर ये SMS है, इसके अंदर दो चीज आपको मिलेगी, एक आपका UPI नंबर मिलेगा और एक आपका पिन मिलेगा, उनकी मदद से आप दोस्तों टिकट बुक कर सकते हैं। अब चलिए मैं मेरे IRCTC जो ऐप है उसको यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और आपके सामने टिकट बुक करके दिखाता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर PTO बनाने के बाद आपको टिकट बुक करना है आपके ऑनलाइन। तो देखिए दो तरीके हैं, या तो आप IRCTC वेबसाइट से कर सकते हो, या फिर IRCTC जो मोबाइल ऐप है उसके मदद से कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर ना अभी जो ऐप है उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर साइट के माध्यम से करवा रहा हूँ। दोनों में सेम इंटरफेस आएगा, तो आप दोनों में से किसी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए आपको स्टेशन सेलेक्ट करना है, कहाँ से कहाँ के लिए बुक करना है टिकट। तो यहाँ पर देखिए मेरे को आबू रोड से
तो मैं डालता हूँ आबू रोड, और टू मेरे को डालना है आगरा कैंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है आगरा, आबू रोड से लेके आगरा कैंट तक मेरे को चाहिए। और जर्नी डिटेल देखिए, मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा कि 1 फरवरी को मैं यहाँ पर जाना चाहता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर मैं रेल पास कंसेशन के ऊपर क्लिक, और यहाँ पर देखिए जो रेल पास कंसेशन है इसके ऊपर क्लिक करना है, ओके करना है, और यहाँ पर सर्च करना है, ठीक है। जैसे सर्च करेंगे तो जो भी ट्रेन अवेलेबल होंगी इस रूट की वो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी, ठीक है। और फिर जो है हम हमारी जो देखिए यहाँ पर एक ट्रेन अवेलेबल है जो डायरेक्ट है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कितनी सीटें अवेलेबल है। और यहाँ पर देखिए इस रूट पर केवल एक ही ट्रेन अवेलेबल है, और इसमें हम यहाँ पर पीटीओ के माध्यम से टिकट करेंगे। यहाँ पर देखिए करंटली यहाँ पर वेटिंग 1 दिखा रहा है, कोई बात नहीं है क्योंकि काफ़ी दूर की हमारी ट्रेन है तो तब तक हमारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर जो है इसके ऊपर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर हमको डिटेल डालनी है। देखिए यहाँ पर आपको पैसेंजर डिटेल डालनी है, एक चीज़ को ध्यान रखना है कि इसी के अंदर आपका UPN नंबर और आपका पिन जो है आपको डालना पड़ेगा। देखिए टोटल जो फेयर था वो 810 था, लेकिन जैसे हमने PTO की डिटेल डाली तो PTO से ऑटोमेटिकली जो आपका किराया था वो 1/3 ओके, और यहाँ पर 240 रुपये यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो 2 सीटें मैं इस समय कर रहा हूँ, मेरी और मेरे एक दोस्त की, दोनों हम PTO से कर रहे हैं, दोनों ही रेलवे एम्प्लॉई हैं। तो यहाँ पर ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पर हम कंटिन्यू को क्लिक करते हैं। तो जो पेमेंट है ये रेस्ट का पेमेंट जो है हमको पेमेंट करना पड़ेगा 240 रुपये, क्योंकि 810 था और ये कंसेशन मिलके हमको 240 रुपये हो गया है। तो यहाँ पर हम भीम UPI की मदद से पेमेंट को कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ पर हम PTM के मदद से पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करते हैं, और फिर हम जो है डायरेक्ट UPI सेलेक्ट करके और डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाते हैं ऐप के ऊपर। तो यहाँ पर जो है हम कोई सा भी एक मोड सेलेक्ट कर लेते हैं और पेमेंट कर देते हैं। चलिए हम फ़ोनपे की मदद से यूज़ कर लेते हैं, जो कि काफ़ी इजी टू यूज़ है। और यहाँ पर जाने के बाद हमको हमका बैंक सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस बैंक से हम करना चाहते हैं, और हमारा UPI पिन देके और इस पेमेंट को हम कंटिन्यू कर देते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पर पेमेंट जो है इसको कर दिया है, और अभी जो है वेरीफाई हो रहा है, और जैसे आपका पेमेंट कन्फर्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली ये रीडायरेक्ट हो जाएगा आपका IRCTC जो वेबसाइट है उसके ऊपर। अगर देखिए आप ऐप के माध्यम से करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वापस आप ऐप पे आ सकते हैं, आपका पेमेंट होने के बाद वापस से ये प्रोसेसिंग दिखाएगा, और आपका जो स्टेटस है अगर देखिए सीट कंफर्म आपको अलॉट हो गई तो आपको दिखा देगा, अदरवाइज़ अगर आपको वेटिंग मिली है तो भी आपको दिखा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा PNR जनरेट हो चुका है, और यहाँ पर करंटली हमको जो है यहाँ पर वेटिंग दिखा रहा है, वेटिंग 1 वेटिंग 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिंपल सी प्रोसेस होती है, इस प्रकार से आप PTO के माध्यम से टिकट बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये सब कुछ डिटेल यहाँ पर शो हो रहा है, पेमेंट वगैरह कब का वेटिंग है, टिकट कब का है, सब कुछ यहाँ पर शो हो रहा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो।